हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लॉन्ग ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है छठी स्पेशल। आज है हमारे प्रिंस की छठी सेरेमनी। तो अभी टाइम हो रहा है 1:15। सो अभी हम अपने प्रिंस का मुंडन करवाते हैं। मुंडन का टाइम हो गया, उसके बाद में हमें डेकोरेशन वगैरह भी करनी है और बहुत सारे काम है। अभी मार्केट जाना है, मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करना है, तो वो सब करेंगे। और उसके बाद में जो भी छठी होगी और शाम में जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे। लेकिन ज्यादा जो हमने पिछली बार कहा था शिफायत के टाइम, वैसा हम कुछ नहीं करेंगे ज्यादा, मतलब बड़ा मिनी सेलिब्रेशन है। बस मैंने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं क्योंकि एक मेमोरी बन जाएगी, तो ये मेमोरी के तौर पे आप सबको जो भी होगा वो सब दिखाएंगे, रिचुअल्स जो भी होंगे। और हाँ, पर एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आज हम अपने जो प्रिंस है उसका नेम रिवील करेंगे कि हमने अपने प्रिंस का जो नेम रखा है वो क्या रखा है। तो वो आज आपको पता चल जाएगा हमारे प्रिंस का नेम क्या है। आपको पहले ब्लॉग से मेरे बाल थोड़े डिफरेंट लगते होंगे क्योंकि मैंने बाल कटवा लिए, थोड़ा नए हेयर स्टाइल करवाया, देखिए यहाँ से और यहाँ से भी देखिए। तो ये आपको हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। अभी कुछ दिन बाद है एक हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। तो अभी हमारे प्रिंस के होने जा रहा है मुंडन, और उसके बाद में शाम में छठी है, तो उसकी भी काफी तैयारी करनी है। तो अभी इनके मुंडन करवाते हैं। अभी हम मार्केट से घर आ गए और हमने अपने प्रिंस के लिए शॉपिंग करी है, या हमारी सिस्टर ने करी है। तो ये एक तरफ रख देते हैं जो भी करी है शॉपिंग उन्होंने, और ये हमने करी है। तो आपको ये दिखाते हैं हमने क्या क्या खरीदा है इसमें। सबसे पहले हमने एक ये शूज खरीदे हैं अपने प्रिंस के लिए, और एक कपड़े खरीदे हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो हल्के कपड़े ही बेस्ट रहेंगे। और एक हमने ये वाला खरीदे हैं कपड़े, और एक हमने लास्ट थोड़ा बढ़िया वाला खरीदा है जो है, इसमें ये शर्ट है अंदर टी शर्ट देखिए ये, और एक हमने खरीदी है ये, नहीं ये इसके साथ ही है, ये पूरा एक पेयर है जिसमें ये शर्ट है और ये पैंट है, ये हमने खरीदे हैं। अब डेकोरेशन करने जा रहे हैं, डेकोरेशन करते हैं। और ये अभी हम डेकोरेशन का सामान लेकर आए हैं, जिसमें देखिए इस बार ये वाला बैनर लेकर आए हैं, ये है, और इसमें ये है ताज वाला बैनर, ये बलून से ग्लिटर वाले, इसमें अंदर जब फूलेगा तो बढ़िया लगते हैं ये वाले बलून। और इस बार हम गोल्डन और सिल्वर कलर की जो डेकोरेशन होती है वो करेंगे। ये अभी बस हम मार्केट गए थे तो वहां से लेकर आए थे डेकोरेशन का सामान, और जो हमारे पास पिछले साल के जो फॉइल थे हमने उन्हें मतलब उनकी हवा निकाल दी थी और उन्हें रख लिया था, तो वो हमारे अब काम में आ गए। देखिए ये सब पिछले साल के हैं, तो ये हमारे इस बार काम में आ जाएंगे, जो नेमरी व्लॉग है उसमें भी, और जो छठी का जो हम बनाएंगे बैनर वो भी। इसीलिए कहते हैं चीजों को हमें कभी फेंकना नहीं चाहिए, अगर हो सकता है तो उसे हम मतलब स्टोर के लिए रख लें कि आगे वो काम में आ जाए। तो हमने मतलब इसकी एयर निकाल ली थी और एयर निकाल के हमने इसे रख दिए थे, ऐसा सोचा नहीं था कि ये आगे जाके काम में आएंगे। लेकिन आज जब छठी का दिन आया तब हमने सोचा लाओ पुराने जो लेटर्स रखे हुए हैं उन्हें हम देखते हैं, तो जब देखा तो हमारे सब लेटर्स काम में आ गए। इसलिए कभी कभी चीजों को रखना फायदेमंद भी हो जाता है, तो ये फायदेमंद हो गया। और ये है कर्टन जो पीछे बैकग्राउंड के लगेगा, ये बलून्स हो गए, और ये बाकी ये हो गया, और ये हो गए पार्टी शॉट। तो ये सब डेकोरेशन का सामान था, अभी बाहर जाते हैं और डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं बेटी पे कम खुश हुए थे, बेटे पे ज्यादा खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जब प्रिंसेस हुई थी, शफायत हुई थी, तब भी हमने इसी तरीके से सब सेलिब्रेट करा था और उसकी खुशी मनाई थी। और सच में अभी जो हमारा भतीजा हुआ, उससे पहले जब हमारी भतीजी हुई थी उसकी हमें इससे ज्यादा खुशी हुई थी, ये हम बयान नहीं कर सकते। ये हम जानते हैं और हमारा दिल जानता है कि हम कितने खुश हुए थे जब हमारी भतीजी हुई थी। भाईजन अभी कुछ दिन पहले कह भी रहे कि जब शिफायत हुई थी तो उसकी एक अलग ही खुशी थी, और ये भतीजा हुआ इसकी भी खुशी है, लेकिन शिफायत की हमें जो खुशी थी वो इससे ज्यादा थी। और कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि वो इन्होंने बेटी पे ऐसा कुछ नहीं करा था, आप पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं एक साल पहले की, उसमें हमने सब ऐसे ही करा था, बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी हो या बेटा हो, औलाद होना चाहिए, अल्लाह बस सबको औलाद से नवाजे, ये आप लोग बस सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। बस अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको औलाद से नवाजे, ना कि ये कि बेटी या बेटा, वो तो अल्लाह की देन है, अल्लाह बेटा भी दे सकता है बेटी भी दे सकता है, बस अल्लाह सबको खुश रखे और सबको औलाद से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। फिलहाल बहुत सारी बातें कर ली, अब डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, फिर डेकोरेशन में भी लेट हो जाएगा, पिछले साल भी लेट हो गई थी डेकोरेशन, तो जल्दी से डेकोरेशन करते हैं। और हमारी मशीन कितने काम में आती है तो आपने देखो वीडियो में, इसलिए हमने ये खरीदी थी क्योंकि डेकोरेशन होती रहती है और फिर काफी टाइम लगता था, ये बलून वगैरह होते हैं इन्हें खुलाने में, तो पहले हम बलून को छोड़ के ये खुला लेते हैं जो भी पॉइंट वगैरह है वो। तो पहले ये है ताज वाला बैनर, ये खुला लेते हैं, तो देखिए ये खुल गया कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम लेटर खुलाते हैं, इधर भाजन भी आ गए शॉपिंग करके। भाजन क्या क्या लिया है? काफी सामान आ चुका है भाई। और गिफ्ट में क्या है भाजन? गिफ्ट में सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, हम सबके लिए। अच्छा, और बाकी ये मुन्ने का है, गर्मी के मतलब का है, ये कुछ कपड़े हैं। अब ये पता चलेगा इसमें है क्या शाम में, काफी सारे गिफ्ट हैं इसमें। तो अभी
अभी आफ्ताब भाई आ गए हैं, आफ्ताब भाई बलून फुलाएंगे। मैंने जो भी फॉइल वगैरह का काम था वो सब कर लिया है। पूरा गर्मी का है। तो आपने देखा कर्टन लग चुके हैं, अब इसके बाद में आगे जो बलून्स लगेंगे अब ये आपको दिखाएंगे हम इसमें बना के। ये है मेन कारीगरी, अब यही आदिल भाई को दिखाएंगे। भैया ये करा ऐसे करके ऐसे। ये बन बाय बन बलून अब ये लगते चले जाएंगे और ये जो लाइन है बलून्स की वो बन जाएगी। लाइन बन चुकी है और इसमें काफी मैंने जो देखा उसके अकॉर्डिंग काफी मेहनत का काम है उन्होंने बना दी। मैंने कोशिश भी करी एक बार बलून लगाने की लेकिन इससे नहीं लगा। हमारी डेकोरेशन तो सब कंप्लीट हो गई लेकिन अभी हमें पता चला छठी का जो वर्ड है वो खराब हो गया और जो एच है वो एक ये है देखिए टी है टी के बाद आएगा है तो वो अभी लगाएंगे। ये खराब हो गया अभी सही करते हैं इसे। हाँ तो आफ्ताब भाई ने ये लगा लिया है अब ये पूरा देखिए अब हो गया छठी। अब इसके बाद में ये दिखा रहे हैं पिलर अब इसके ऊपर स्टार लगेगा ना। चलो तो बन गया लेकिन ये रुकेगा नहीं क्योंकि ये हल्का है। उसके बाद इसकी नीचे जो लगाते हैं वो लगाते हैं हम जो बलून लेते हैं उसमें पानी भरते हैं उसके बाद में वो लगाते हैं इसमें। तो फाइनली हमारी डेकोरेशन हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमें कितना पसीना आ रहा है। पूरी शर्ट बिक गई है मेरी पूरी भी टी शर्ट बिक गई है। तो अब आपको दिखाते हैं डेकोरेशन कि हमने छठी की डेकोरेशन कैसे करी है। थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि पिछले साल जो करी थी वो मैंने करी थी जितना मुझे आता था और अब इन्हें मिस्त्र ज्यादा आता है प्रोफेशनल डेकोरेशन आती है इन्हें। तो आपने डेकोरेशन देख ली होगी अभी हम जा रहे हैं रेडी होने। रेडी होकर आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो ये हम हो गए हैं रेडी ट्रांजिशन के साथ और अभी सब लोग आ जाएंगे फिर स्टार्ट होगा छठी सेरेमनी का जो इवेंट है फंक्शन है मतलब छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन वो स्टार्ट होगा। और एक छोटा सा हमारे साथ एक घटना घट गई है जिसे आपको हम दिखाते हैं। देखिए अभी जो हम ये डेकोरेशन करके गए थे तो ये दरवाजा बार बार खुला बंद हुआ जिसकी वजह से हमारी ये जो ताज था वो फट गया। और ये फिरोज भाई भी आ गए हैं कुर्ता पजामा पहन के मस्त एकदम तैयार होकर। और ये हमारी शिफू शिफू हेलो कर दो हेलो। और इस सॉन्ग के बिना तो ये जो फंक्शन है वो अधूरा है। प्ले कर दो सॉन्ग। इसीलिए कहते हैं कठिन स्थिति में अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो वो काम ठीक हो सकता है। तो हमारा ये काम ठीक हो गया। यू कैन सी दैट। तो जो हम नेम रिवील करेंगे उसका जो ये लेटर है वो हमने सब तैयार कर लिए हैं। और वैसे हम सोच रहे थे कि जो लाइट वाले लेटर आते हैं वो लेकर आए लेकिन वो ऑनलाइन बुक करना पड़ते तो वो टाइम पर आ नहीं पाते 7-8 दिन बाद आते। तो फिर हमने सोचा ये फॉइल वाले ही यूज कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो प्रिंस है छोटा मेहमान है उसका नाम क्या है। और अभी एक रस्म हो रही थी जिसमें तारे देखे जाते हैं तो अम्मी ने भाभी से बोला तो वो रस्म हो रही थी। थोड़ी देर बाद पता चलेगा इसमें है क्या। और ये दे रहे हैं बाबू को। अच्छा ये अम्मी का ये बाबू का है। बाबू थोड़े इमोशनल। और ये साथ में लिफाफे इसमें कितनी मनी है वो हाइड है। चला बत्ती रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ मार दी मेरे सीने पे मार दो मार चढ़ क्या कर रहा है पकड़े भी तो कह रहे हो डर लग रहा है तुम्हारा पकड़ने ये आदिल यार कैसे सीखो भैया भैया भैया
अब मैं देख के बाबू है। अरे देख के बाबू को देख के। हाँ हाँ ये किसका है वजन? अच्छा ये भाभी का। अभी आ गए प्रिंसेस के नाना नानी। प्रिंस शिफायत का याद है प्रिंस के नाना नानी। नानी प्रिंस के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आई। ताबीज है ये। और ये हैं प्रिंस के मामा मामी, इन्हें तो आप जानते होंगे वीडियोस में, अलीजा। और प्रिंस की हुई है फुप्पो। तो जो भी रिचुअल्स है वो सब कंप्लीट हो चुके हैं और छठी सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है। अभी बस खाना खाएंगे। खाना नहीं खाया और हर बार की तरह इस बार भी हम लेट हो गए। वीडियोस वगैरह बनाई, काफी एंजॉय करा और अभी बस खाना खाते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो अगला दिन हो गया और अभी मम्मी आ गई। मम्मी कल आने वाली थी लेकिन ट्रेन निकल गई थी मम्मी की, जिस वजह से मम्मी आ नहीं पाई थी और छुट्टी में भी शामिल नहीं हो पाई। तो मम्मी अगले दिन फिर ट्रेन मिली मम्मी को, तो अभी आई मम्मी आराम के लिए और शिफायत के लिए कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह लेकर आई है। तो अभी देखते हैं मम्मी क्या क्या लेकर आई है। मम्मी सबसे पहले मम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इस सबकी मम्मी कोई भी जरूरत नहीं थी, अभी शिफायत भी थी तभी आप लेकर आ गई। शिफायत खुश हो गई मम्मी की डॉल देखकर हो गई। अरे शिफायत के कपड़े आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया है ये वाला। देखो ये लेकर आएंगे दादी, तुम्हारी दादी है मम्मी, बढ़िया लग रहा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है क्योंकि ये इनकी पप्पो ने सिलाया, देखिए। और जो ये पहनूंगी ये भी इनकी पप्पो ने सिलाया, तो ये सबसे स्पेशल गिफ्ट है। और ये है आराम के, ये वाले जो आराम के हैं मम्मी। बहुत ही आए कपड़े, इतने लाने की जरूरत थी। काफी कपड़े आए मम्मी, ये शिफायत का दहेज लाएंगे मम्मी अभी। शिफायत की दौर तो आराम को मम्मी को देते हैं। मम्मी लोग सलाम कर लो दादी को। तो छठी सेरेमनी हो गई है, रात काफी ज्यादा थक गए थे और काफी लेट तक हमारा फंक्शन चला, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होता है घर में वो काफी लेट स्टार्ट होता है, तो वो 2-3 बजे तक चलता है। तो बहुत ही ज्यादा टायर्डनेस हो गई थी, थक गए थे काफी ज्यादा। तो फिर उसके बाद में अभी मम्मी आई, मम्मी ने गिफ्ट वगैरह दिए और अभी इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हॉस्पिटल से लेके वेलकम, छठी सेरेमनी, इन सब वीडियोस को खूब सारा प्यार दिया, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं एक नई ट्रिप के साथ। अभी 2 दिन बाद हम एक नई ट्रिप पर जाने वाले हैं, वो भी हम जाएंगे जो हम सपनों में कभी देखा करते थे। और मेरा एक सपना था कि मैं कभी इंशाल्लाह आगे जाऊं, तो फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं जाऊंगा फ्लाइट से एक नई ट्रिप में। कहां जाऊंगा वो आपको जब भी पता चलेगा। फिलहाल दुआओं में याद रखिए और अच्छे काम करिए, बुरे काम नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली वालों का सबका खूब ध्यान रखिए और खूब कोशिश करिए कि अपनी फैमिली वालों को एटलीस्ट हम खुश रख सकें। और हर इंसान का एक ये मोटिव होना चाहिए कि वो फैमिली मेंबर को खुश रख सके। और मेरा भी बस यही मोटिव रहता है कि मैं अपनी जो फैमिली है उसे खुश रख सकूं और वो खुश रहे, बस यही दुआ है मेरी। तो ये था छठी सेरेमनी का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।